सीजीपीएससी प्री, जिसका एग्ज़ाम 12 फरवरी को होने वाला है, जिसमें सी सेट में क्वेश्चन में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके रीजनिंग सी सेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पीएससी प्री का एग्ज़ाम 12 फरवरी को, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। ये आपका जो क्वेश्चन है विगत वर्षों का क्वेश्चन है, जिसमें सी सेट से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आइए उन सवालों को सॉल्व करते हैं अदर सीक्वेंस से जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कल का वीडियो रहने वाला है पाई और चार्ट। 2 से 3 दिन बचा हुआ है सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम, एक बार वीडियो को देख कर जाइएगा। ऐसे ही एग्ज़ामों में सवाल आते हैं सी सेट से अदर सीक्वेंस से। पहला क्वेश्चन कहता है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किसी पंक्ति में प्रमोद बाएं से 7वां स्थान तथा प्रकाश दाएं से 9वां है। दोनों अपनी स्थितियां परस्पर बदल लेते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों ही अपनी जो स्थिति है आपस में बदल लेते हैं। प्रमोद बाएं से 11वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। यह आपके सीजीपीएससी प्री सी सेट का क्वेश्चन पेपर है, तो इसका आंसर बहुत ही सरल है। इसे बनाने का सबसे आसान तरीका आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं करना है, प्रमोद बाएं से 7वां है और इधर देखिए दाएं से 9वां है, लेकिन क्या कर रहे हैं, अपनी स्थिति चेंज कर दिया गया है, तो प्रमोद बाएं से 11 हो जाता है। क्या करना है, बाएं प्लस दाएं माइनस 1, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो ये आप लोग दाएं बाएं नहीं बनाइएगा, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला में रख लीजिएगा। तो किसी पंक्ति में प्रमोद दाएं से किया और बाएं से कितना यहाँ पर फर्स्ट ले लेते हैं, तो आपका 7वां और इधर ये वाला आपका 11। 11 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पर 18 माइनस 1 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 17। तो ये आपके ऑप्शन कौन समय दिखाई दे रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इतना सरल है ये सवाल, ठीक है, ऑप्शन ए। तो इसका आंसर ए होगा, जो कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, 17 लोग हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक परीक्षा में सुधीर का स्थान ऊपर से 14 है तथा पंकज का स्थान नीचे से 18। यदि सुधीर का स्थान नीचे से 26वां है तो ऊपर से पंकज का कौन सा स्थान होगा। ध्यान से समझिएगा, एक परीक्षा में कहता है सुधीर का स्थान, चलिए मैं आपको एक ये बना देता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। तो सुधीर का स्थान ऊपर से 14 है तथा पंकज का स्थान नीचे से 18, ये आपका पंकज हो गया, ये आपका सुधीर हो गया। अब पूछा गया है यदि सुधीर का स्थान नीचे से 26वां है, अब मान लीजिए कि सुधीर का स्थान नीचे से कौन सा है, 26वां, ठीक है, तो पंकज का जो स्थान है कौन सा होगा, यानी कि यहाँ से जो पंकज का जो स्थान है कौन सा होगा। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको, आपको क्या दिखाई दे रहा है, सुधीर ऊपर और नीचे से, ठीक है, सुधीर पक्षा में क्या है, ऊपर से 14 है और यहाँ पर नीचे से 26वां। पूछा क्या है, पंकज का स्थान नीचे से 18 है, जो नीचे से 18 है, तो सबसे पहले 14 और 26 को जोड़ देंगे आपस में, कितना हो जाएगा, 14 और 26 को आपस में जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 40। अब पूछा क्या गया है, सुधीर का है ना, तो पंकज का जो स्थान है नीचे से, तो 40 में अगर 18 घटा देंगे तो आपका 22 आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, फटाक से कमेंट करके बताइएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसे ही आपके सीजीपीएससी प्री 12 फरवरी को होने वाला है, जिसमें सी सेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए ये इस प्रकार आपका डायग्राम बनने वाला है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं सुधीर का, ये आपका मैं बताया था, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा पंकज, और ये आपका हो जाएगा 26वां, जो कि है इधर नीचे स्थान से, ठीक है। तो डायरेक्ट ये सवाल बहुत ही लंबा और पेचीदा सवाल है, ठीक है, ये आपका पेचीदा सवाल से बनेगा, तो मैं आपको डायरेक्ट समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट है 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक, ध्यान से समझिएगा ना, 30 छात्र है, ठीक है, 30 छात्रों की कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक 13वां और 14वां स्थान पर, इस कक्षा में, ठीक है, 13 और 14 स्थान है,
तो नीचे से उसका क्रम क्या होगा, यानी कि इधर हम नीचे ले लेते हैं तो नीचे से उसका क्रम क्या होगा पूछा गया है। 30 छात्रों की कक्षा, मान लीजिए एक कक्षा है जिसमें टोटल 30 छात्र हैं, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला ज़बरदस्त है, मैं आपको बता रहा हूँ, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए यहाँ पर 30 छात्र हैं, तो पहला क्या है 13, तो 30 में हम 13 को घटा देंगे तो कितना आएगा आपका, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, 17, ठीक है। 17 में एक जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 18, ठीक है। उसी प्रकार 14वें क्रम में, तो 30-14 ये आपका आ जाएगा 16, प्लस 1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा, एक मिनट ना, 16 ना प्लस 1 कर देंगे तो आपका 17। तो आपके आंसर में कौन सा दिखाई दे रहा है, 18 और 17, जिस ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है 18 और 17, वही आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए इसका मैं आपको पूरा डिटेल बताया था कि 30 छात्रों की कक्षा में, ठीक है, एक बार ध्यान से समझिएगा फिर से। गुंजन और त्रयो, तो क्या करेंगे, टोटल 30 छात्र हैं जिसमें गुंजन का कितना है 13, तो हम 13 घटा देंगे और प्लस 1 कर देंगे। उसी प्रकार फिर से अब यहाँ पर जोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे 14 वाला, 14 प्लस 1, ठीक है। तो पहला का आंसर कितना आ जाएगा, 30 में 13 घटाएंगे तो आपका 17 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ देंगे तो आपका 18। उसी प्रकार 30 में अगर 14 घटाएंगे तो यहाँ पर 16 प्लस 1 करेंगे तो आपका 17, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए लास्ट सवाल, ठीक है। अरुण को यह पता चलता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं ओर से 12वां है। चलिए हम एक पंक्ति बना लेते हैं जिसमें दाईं ओर से 12वां है तथा बाईं ओर से 4था है। ये आपका बाईं ओर है, इधर आपका एक मिनट ना, ये आपका 4था है, ठीक है। कौन सा स्थान है 4था। तब उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाए, मतलब इस पंक्ति में टोटल कितने लड़कों को शामिल करना है जिसमें उनकी संख्या 28 हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 12 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में। क्यों, क्योंकि देखिए लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर और दाईं ओर से पूछा गया, यानी कि आने में और जाने में, तो क्या करते हैं जोड़ते हैं ना। 12 और 4 कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है, जोड़ दिए। अब कह रहा है कि पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाए, कितने लड़कों को शामिल करना है, क्या करेंगे 16 और 18 को, 28 को हम घटा देंगे, ठीक है। 16 और 28 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12, और उसमें क्या करना है एक जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि उसी पंक्ति में लड़कों को शामिल करना है ना, तो कितना आ जाएगा एक जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 13। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ऐसे ही डेली क्लास करने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही पीएससी मेंस की तैयारी के लिए, ठीक है, पीएससी मेंस की तैयारी के लिए, सब इंस्पेक्टर मेंस की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लास करने के लिए। देखिए जिन लोगों का कट ऑफ आपका 50 से ऊपर गया है, तो पुलिस भर्ती यानी कि प्री का एग्ज़ाम जो लोग दिला चुके हैं वो मेंस की तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास कराया जाएगा रात 8:30 बजे, साथ ही 9:30 बजे डेली क्लास कराया जा रहा है। भारत का संविधान और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से क्वेश्चन लेकर आए हैं, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में वैसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पीएससी मेंस, सब इंस्पेक्टर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को फटाक से लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। मैं जब भी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा, और सटीक क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। अगर आपको तैयारी करना है पीएससी व्यापम की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक स्टूडेंट को यह वीडियो का मैसेज पहुंच पाए, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो पर, लास्ट तक जरूर जाइएगा देख के, ऐसे ही जो कि एग्ज़ाम में आते हैं प्रश्न डेली क्लास लेकर आता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर क्लासेस करना चाहते हैं डेली तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। डेली ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपके पीएससी और व्यापम में पूछे जाते हैं। साथ ही आप सभी को कहना चाहूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है 6 वर्षों का है, ठीक है, तो डेली मैं आपको क्लास करा रहा हूँ जो कि पीएससी व्यापम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास तौर पर मेंस की तैयारी के लिए, ठीक है। मेंस की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मैं भारत प्लस छत्तीसगढ़
दोनों ही सब्जेक्ट का क्लास लेकर आया हूँ। और मैथ्स की बात करें, मैथ्स का 2 से 3 दिनों के अंदर मैं उसका टाइम टेबल बता दूंगा जो कि क्लासेस कितने टाइम होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई